सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और बेहतरीन खूबसूरत ब्लॉग में। हम लोग आ चुके हैं सुंदरबन का कोई खाली में। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे नदी और समुद्र दोनों का संगम होता है। तो दोस्तों, आप सभी का नज़र जहाँ तक जाता होगा वहाँ नदी और समुद्र का मिलाप है, और जो ज़मीनी स्तर दिख रहा होगा ये गंगा जो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है सुंदरबन का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है वो यही है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत सिनेरियो को देखने के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर हम लोग कोलकाता से आए हैं। ये है वो खूबसूरत व्यू, ये खूबसूरत नज़ारा। जहाँ तक नज़र जाता है वहाँ तक पानी ही पानी, जैसे लग रहा होगा कि दुनिया आगे की तरफ ख़त्म होता जा रहा है। और ये आपको साइड में दिख रहा होगा सुंदरबन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और इसके अगल बगल की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि। और ये कुछ बोट्स, और यहाँ पे कुछ लोग नहाते वहाते हुए या फोटो क्लिक करवाते हुए। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या खूबसूरत जगह यहाँ पे है। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, इस समुद्र के बगल में ही ये खूबसूरत सा लोटस, ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर हो गया। पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा दिखने मिलता था, लेकिन ये बहुत कम एरिया में अब पाया जाता है। दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे जो कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत दृश्य है। और इस दृश्य को कैप्चर करने के लिए हम करीब 2 दिन पहले से यहाँ आए हुए हैं और दोस्त का शादी अटेंड किए हैं। उसके बाद जब उसका शादी कम्प्लीट हुआ है तो दूसरे दिन सुबह सुबह हम करीब 10 से 20 किलोमीटर उसका घर से पड़ता है ये जगह, वहाँ हम लोग आए हुए हैं। और सुबह इसलिए आए कि सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और दोस्तों, आप सभी से एक विनती थी, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसा ही ब्यूटीफुल कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था कि ये सुंदरबन का एरिया पड़ता है और यहाँ पर नदी और समुद्र का संगम स्थल होता है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा मतलब नदी का डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ पे आपको सुंदरबन के जंगल भी देखने मिल जाएंगे और सुंदरबन के पेड़, जिस पेड़ के नाम के वजह से सुंदरबन का नाम पड़ा है, जो सुंदरी पेड़ है, वो आपको यहाँ भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तो चारों तरफ सुंदरी पेड़ ही सुंदरी पेड़ है। सुंदरी पेड़ को पहचानने का ये एक तरीका है कि उसका जड़ जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर, ज़्यादातर पेड़ का जो जड़ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सुंदरी पेड़ के जड़े जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ। और दोस्तों, यहाँ पे अक्सर बाढ़ आता रहता है, ज्वार भाटा के वजह से भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारा जो भूमि है ये दलदली भूमि होते हुए। तो दोस्तों, ये है वो ब्यूटीफुल नज़ारा, और सामने आप देख ही पा रहे होंगे जो ज़मीन है वो दलदली टाइप में हल्का। दोस्तों, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जितना खूबसूरत दीघा है उतना ही खूबसूरत ये सुंदरबन एरिया है, क्योंकि दीघा में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, वैसे ही सुंदरबन में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आपको सामने दिख पा रहा होगा जो बोट्स है, तो यहाँ पे मुख्य आहार के रूप में मछली काफ़ी ज़्यादा शौक से खाया जाता है, और यहाँ पर मछली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ा भी जाता है। और ये नदी के बगल में है ये खूबसूरत सा छोटा सा घना जंगल। और दोस्तों, हमें हमारा एक मेहमान मिला जो सामने दिख रहा होगा, ये क्रैब। ये केकड़ा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के भूमि में ज़्यादातर आपको इस टाइप के प्रजाति आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो छोड़िए, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को अगर नदी देखना हो, नदी का संगम स्थान जहाँ पे समुद्र से मिलता है, अगर वो जगह देखना हो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो निर्माण होता है वो देखना हो, और सुंदरबन का ये खूबसूरत जंगल देखना हो, तो आप सुंदरबन ज़रूर घूमने आए। बेहद ही खूबसूरत जगह है ये, जहाँ तक आपको नज़र जाएगी खूबसूरती खूबसूरती। ये मेरा दोस्त जो करीब 80 या 90 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से बाइक चलाता हुआ आया है, और ये पूरा नज़ारा। और दोस्तों, ये रहा खूबसूरत सा डेल्टा का छोटा सा रूप,
और ये डेल्टा तो आखिरकार बहुत ज़्यादा विशाल है, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ छोटा हिस्सा है। और आप सभी को जैसे कि दिख रहा होगा कि ये काई जमा हुआ मिट्टी, हम जाना तो चाहते हैं आगे, लेकिन दलदली टाइप होने के वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ का जो समुद्र है वो दीघा के जैसे काफ़ी ज़्यादा उफान नहीं मारता है, ये काफ़ी ज़्यादा शांत दिखने को मिलता है। और ज्वार भाटा आया तो उस टाइम का अलग बात है, लेकिन आपको दिख पा रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा शांत है। दोस्तों हमारे दोस्त ने नए प्रजाति का इन्वेंशन किया है, यहाँ उसको कुछ मिला है, उठा उसको। समझ में नहीं आ रहा यार। उठा उठा। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? अगर किसी को पता हो कि ये समुद्र का कौन सा जीव है, दोस्तों आप में से अगर किसी को भी पता होगा कि ये कौन सा जीव है तो उसके बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सुंदरबन का कोई खाली है, यहाँ पे बहुत कम लोग घूमने आते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में देखे होंगे नाम मात्र के कुछ लोग थे, उसके अलावा हम और हमारा दोस्त अकेले ही इस बीच पे घूमे जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और हमें जैसे ही पता चला कि ऐसा जगह कोई है तो हम उसको एक्सप्लोर करने यहाँ पर आ गए हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ अगर सुनते हो ना तो समुद्र की आवाज़ यहाँ पे आपको साफ सुनाई देती होगी। दोस्तों यहाँ क्योंकि शोरगुल काफ़ी ज़्यादा कम है, कोई टूरिस्ट दूर दूर तक नहीं, इसी वजह से आपको एकदम एक शांत माहौल मिलता है। बहुत लोगों को ऐसा आवाज़ सुनना पसंद है या चाहते हैं कि ऐसा कोई बीच हो जहाँ पे मतलब डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, तो आप इस जगह पे आ सकते हो। तो दोस्तों हमारा ये एडवेंचर, हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा जूता का हाल आप देख ही रहे होंगे। और ये रहा मेरा दोस्त, क्योंकि वो सामने आपको दिख रहा होगा वो पूरा दलदली भूमि है, और हमने किसी तरह ईंट पे एक एक ईंट पे पांव रख रख के आगे की तरफ आया है। और ईंट भी ऐसा नहीं है कि स्टेबल था, बहुत ज़्यादा मतलब पांव रख रहे थे तो अंदर की तरफ धंसे जा रहा था। उसके बाद भी हम लोग यहाँ की तरफ आए क्योंकि यहाँ से जो वीडियो का जो व्यू मिल रहा था बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं समुद्र के पास। तो दोस्तों यही सब मतलब कुछ समुद्री जीव को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये सीप है, और ऐसा ही आपको बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा, क्रैब्स हुआ, सीप्स हुआ, बहुत कुछ यहाँ मिलेगा, इसीलिए हमने इतना ख़तरा उठाया और उस तरफ से मतलब नॉर्मल ज़मीन से हम थोड़ा दलदली ज़मीन की तरफ आए हैं। और यहाँ पर थोड़ा टाइम बाद यहाँ ज्वार भाटा आने वाला है, तो जितना जल्दी होगा हम लोग कैप्चर करके यहाँ से निकलेंगे वीडियो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रहना सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर ज्वार भाटा डायरेक्टली अगर आता है बड़ा सा तो भागने का भी कोई साधन नहीं है, क्योंकि जैसे आए हैं। ये क्या है बे? बड़ा सीप। तो दोस्तों यही सब जो चीज़ था जो समुद्र में पाए जाते हैं, ये सब आपको ज़्यादातर दीघा वघा में उतना खूबसूरती से देखने नहीं मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे सुंदरबन के एरिया में मिलेगा। वहाँ जहाँ देखिएगा वहाँ भी सेम टाइप का सीप है। और ये देखिए ये, तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये हमें कुछ समुद्री कुछ और जीव का ये मिला है, तो यही सब देखने के लिए हम इतना आगे की तरफ आए हैं। और ये समुद्र का लहर। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए और लेंदी हो जाए। तो यही था कुछ खूबसूरत सा नज़ारा, इसके बाद के ब्लॉग में हम और कुछ डालने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या है, तो इसके बाद का पार्ट देखना ना भूलें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाएं और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था सुंदरबन का जंगल और यहाँ पे नदी और समुद्र का मिलन स्थान। दोस्तों आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट में हम दिखलाएंगे कि समुद्र के क्या क्या जीव यहाँ पे मतलब समुद्र के किनारे पाए जाते हैं।
तो वो पार्ट जल्द ही आने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।